हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम है विश्व सेंटर। तो फ्रेंड, आपको दो तीन आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया हो हिंदी के। अभी हम करने वाले आपका चौथा हिंदी के जो है, तीसरे हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले, जिसमें 30 क्वेश्चन ही दिया हुआ है फ्रेंड, 20 क्वेश्चन दिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम देने से पहले आपको ये चीज़ करना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो आप, ये मैटर करेगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से ये मैटर करेगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से देंगे एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड। अगर यहाँ पे अच्छा एग्ज़ाम से दे अब ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर ले रहे हो, यानी आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले चुनिए शब्द जो है फ्रेंड, सही वर्तनी वाले शब्द चुनने बोला है। तो उपवाचक जो है, उपवाचक जो हो गया इसका, अपवाचक जो हो गया फ्रेंड इसका सही वर्तनी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। दो नंबर क्या है, हिंदी का उपभाषाओं की संख्या कितना है फ्रेंड। तो हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितना है फ्रेंड, पाँच पाँच है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड बता दें, जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल को वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर चलते हैं फ्रेंड। अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड, अधीर जो है फ्रेंड, अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड ये व्याघ्र, ठीक है फ्रेंड। अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड, अनार, अनार का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, दाड़िम, दामी दाड़िम, ठीक है फ्रेंड, दाड़िम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कृष्ट का जगह निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, उन्मुख का, उन्मुख का विपरीत अर्थ क्या होगा फ्रेंड। उन्मुख का जो विपरीत अर्थ होगा फ्रेंड आपका बी नंबर, विमुख, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह उज्जैनिया में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड उज्जैनिया में जो हो गया आपका उपसर्ग जो फ्रेंड आपका डी नंबर क्या, उत, ठीक है फ्रेंड। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड, दुर्जन में जो उपसर्ग है फ्रेंड, उपसर्ग है फ्रेंड आपका जो है सी नंबर, दूर, ठीक फ्रेंड। दुर्योधन में उत्सर्ग बताइए, दुर्योधन में जो है फ्रेंड कौन सा उपसर्ग है। तो आपका दूर जो है आपका वो आपका उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तृष्णा में कौन सा संधि है फ्रेंड। तो तृष्णा में जो फ्रेंड आपका सी नंबर, व्यंजन संधि है, ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार देख लेते हैं, सदाचार में कौन सा संधि है फ्रेंड। तो सदाचार में जो है आपका फ्रेंड ए नंबर क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है फ्रेंड। उसी प्रकार देख लेते हैं, 12 नंबर जो है फ्रेंड क्या है, किसी समास में दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसको क्या आप कहते हैं फ्रेंड। तो वो आपका जो हो गया बहुव्रीय समास, ठीक है फ्रेंड। 13 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड, दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। तो बी नंबर जो होता है सही न्याय करना, ठीक है फ्रेंड, दूध का दूध पानी का पानी। गरीब हटाओ की रचनाकार किस रचयिता कौन है फ्रेंड। तो गरीब हटाओ के रचनाकार जो हो गया फ्रेंड आपका सर्वश्रेवर दयाल सक्सेना, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड, दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग है। दुराग्रह में जो हो गया फ्रेंड आपका उपसर्ग बी नंबर देख लीजिए, दूर, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह देख लें, शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सी है फ्रेंड 16 का। तो फ्रेंड सी नंबर दो है, कौतूहल जो है, कौतूहल जो हो गया शुद्ध वर्तनी है। उसी तरह देख लेते, 17 नंबर क्या है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है फ्रेंड। मानक हिंदी में जो किस चीज़ का लोप हो गया, तो फ्रेंड ए नंबर देख लिए, द्वितीय, ठीक है फ्रेंड, द्वितीय, ठीक है फ्रेंड, द्वितीय जो हो गया ये चीज़ लुप्त हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट 18 नंबर देख लिया फ्रेंड, अमर्स किस पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड। अमर्स का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फ्रेंड आप 18 का डी नंबर, क्रोध। उसी प्रकार देख लेते हैं, 19 का क्या फ्रेंड, मदन सलाहकार किसका पर्यायवाची फ्रेंड। मदन सलाहकार जो है फ्रेंड आपका सी नंबर, कोयला, ठीक है फ्रेंड, कोयला का पर्यायवाची है। 20 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या कहते हैं फ्रेंड। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते फ्रेंड, इंद्रजीत, ठीक है फ्रेंड। तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला को इंद्रजीत कहते हैं फ्रेंड। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और चांसेस है आने के थे फ्रेंड। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है जो भी ग्रुप में हो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।